हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। हम सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। जब चार साइड्स क्लोज फिगर बनाती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है, पूरे मिला के छह क्वाड्रिलेटरल्स है, लेकिन छह क्वाड्रिलेटरल्स कैसे, तो उनको अभी हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम क्या होता है भैया? पैरेललोग्राम अगर दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, मतलब पी क्यू आर एस, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अगर इस फिगर में पी क्यू का अपोजिट साइड आर एस है, अगर ये पैरेलल हो जाए, साथ में पी एस का अपोजिट साइड है क्यू आर, मतलब अगर पी एस क्यू आर से पैरेलल हो जाए, पी क्यू आर एस से पैरेलल हो जाए, तो ये जो फिगर है इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इसका मतलब पूरी मिला के यहां पर ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ओके। चलिए अब इसी पैरेललोग्राम में हम थोड़ी सी हरकत करेंगे। इसी पैरेललोग्राम में अगर हर एक एंगल जो है आपका राइट एंगल बन जाए, हर एक एंगल राइट एंगल बन जाए, इसका मतलब अगर पैरेललोग्राम का हर एंगल राइट एंगल बन जाता है तो उसी को हम कहते हैं रेक्टेंगल। यस, ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। इसका मतलब रेक्टेंगल जो है वो पहले पैरेललोग्राम होता है। यस, अब थर्ड थिंग इज रोम्बस। नाउ व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब पहले एक पैरेललोग्राम ले लीजिए। अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन अगर साथ में इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए तो इसी पैरेललोग्राम को हम कहने वाले हैं रोम्बस। सो ये बन जाएगा हमारा रोम्बस। नेक्स्ट वन, अगर ये जो रोम्बस है, इसी रोम्बस के अगर चारों एंगल्स भी इक्वल हो जाए तो ये जो रोम्बस है वो बन जाएगा हमारा स्क्वेयर, ओके। अगर रोम्बस के चारों एंगल्स भी राइट एंगल बन जाए तो रोम्बस बन जाएगा स्क्वायर। लेकिन रोम्बस तो पहले पैरेललोग्राम था, राइट? रोम्बस क्या था? पैरेललोग्राम, ओके। अब हम पूरी तरह से स्क्वायर को पढ़ेंगे। हम स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ये हमने स्क्वायर निकाल लिया। इसके चारों जो एंगल्स हैं वो इक्वल है, इसकी जो चारों साइड्स हैं वो भी इक्वल है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ओके। पहली बात, इसके चारों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। यस, ये रेक्टेंगल हो गया। नंबर टू, इसके चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये रोम्बस हो गया। और नंबर थ्री, इसके अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब अगर ये तीनों चीजें अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में है तो वो सर्वशक्तिमान है और वो बन जाएगा स्क्वायर। इट मींस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ रोम्बस एंड स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल आल्सो। इट मींस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल आल्सो। इन एडिशन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, द एडिशनल प्रॉपर्टीज विल बी दैट ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल विल बी अ राइट एंगल, the diagonals of the rectangle will be equal, okay. Then in the rhombus all the properties of the parallelogram will be satisfied. What are the properties of the satisfied? Opposite sides are parallel and equal, opposite angles are equal, we can say congruent also. Then diagonals of the rhombus are perpendicular bisector of each other, okay. And then in the square, all the properties of the parallelogram, all the properties of the rectangle, and all the properties of the rhombus will also get satisfied. Okay, so in square, what is going to happen? All sides will be equal, all angles will be equal, diagonals are also equal. Diagonals are perpendicular bisectors of each other. Okay, so from this video, we have understood that. Parallelograms are the quadrilaterals in which there are two pairs of opposite sides. Now, if in a parallelogram each angle becomes the right angle, then that parallelogram only becomes the rectangle. Now, consider a parallelogram if
In a parallelogram, opposite sides are already equal. If adjacent sides also become equal, then that parallelogram becomes rhombus. Now, again, consider a parallelogram. Make each angle equal. Make all its sides equal, and that becomes a square. Thank you.